को पता है आप लोग किस फ्रेम का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मम्मी चलो गाइस आज सुपर स्टार्ट होने वाली है गाइस। हाँ जी रोजेना, मेरे को पता है आप लोग किस फ्रेम का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब मैं ब्लॉगिंग करूंगा। दिस इज न्यू टू मी, सो जो गलतियों की माफ कर देना। कुछ चीजें हैं जो मैं सीरियस नोट पे बात करना चाहूंगा, बट पहले थैंक यू सो मच हर उस एक बंदे का। थैंक यू ब्रोजेना, थैंक यू एलविश भाई, कटारिया भाई, जो सामने से जितने भी मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, तो जितने भी लोग सपोर्ट करने आए थे उन सबको दिल से शुक्रिया। मेरे को पता है एक रात पहले कुछ हम पीछे चल रहे थे 70-80 हजार वोट्स या टैग्स मेंशंस, और मैं 4-5 बजे ना फोन स्विच ऑफ करके सो गया था। मेरे को लगा था मुश्किल है, बट सुबह जो क्रेजी स्पैम हुआ है, जो भी हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा इज दैट कि ये चीज ना आपको बाबू भैया ने भी पहले बोली होगी, मेरे भाई ने, कि हमारी ब्रो से ना ये बात ध्यान से सुनना। मैं एक दो बंदे देख पा रहा हूँ जो दूसरों के कमेंट सेक्शन पे जाके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट। हम इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं यार। ऊपर वाले ने ना बहुत प्यारी चीज़ बनाई है, इंसान अगर वो मोहब्बत के साथ रहता है तो। बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट गो टू समवन प्रोफाइल। कोई भी अगर कोई एक बंदा या इंसान हमें गाली दे रहा है, आप उसका रिप्लाई भी मत करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ऊपर वाला। मैं यही बोलूँगा यार कि अगर इंसान दिल से सच्चा है ना, उसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला सब देख ले। Hey guys, good morning everyone, welcome back to the new vlog। ये vlog की स्टार्टिंग हो रही है अनुराग के घर से। आज है नवरात्रों का 7th day, तो हैप्पी नवरात्रे। कल है अष्टमी और कल हमारे घर में होगी कन्या पूजन। ये देखो कौन आया है वापस, इन्होंने बहुत ट्वीट करे गाइस। पहले हटो, सैंड के स्किल्स दिखाता हूं। हेलो हेलो, वाओ तो गाइस दुष्यंत और मैं जा रहे हैं मार्केट थोड़ा घर का सामान लेने, क्योंकि कल है नवरात्रे। नवरात्रे के लिए जो भी कन्या पूजन में सामान चाहिए होगा पूजा के लिए। अंजी दुष्यंत क्या देख रहे हो ऐसे? यार मैं याद कर रहा हूँ। किसको? भैया को। तो मैं और भैया जैसे अभी रिसेंटली लास्ट राइड हमने करी थी लद्दाख की, और भाई के देख के ना सिर्फ भैया की याद आ रही थी। मेरे को भी याद आई। तो दिन भर जब हम गाड़ियाँ देखते हैं ना, दिन भर यहाँ पर ये सुप्रा में बोल रही है ऐसी खड़ी की खड़ी है, चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि जब से अनुराग गए हैं सुप्रा भी ऐसी खड़ी है, सारी गाड़ियाँ भी ऐसी खड़ी है, बस यहाँ पे हायाबूसा की हायाबूसा नहीं है, क्योंकि हायाबूसा मुंबई में ही है अभी भी। कोल्ड स्टार्ट करें ने? भैया को बाइक मिस कर रही है, भैया बाइक को मिस कर रहे हैं। इस खुशी में कोल्ड स्टार्ट करते हैं, सारी बाइक को, सारी को करें, सबको करते हैं, सुप्रा को भी करते हैं, सुप्रा को भी करते हैं। चलो 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 गाइस, आज सुप्रा स्टार्ट होने वाली है। क्या लेके आ रही हो? खजाने की पोटली है मेरे पास, कैश में दिखाना। क्या चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए तुम्हें? मालिक देखो पहचान लेगी मुझे, देख खुल गई ना खुद से। सीधा सुप्रा की चाबी लेके जाओ, जिस चाबी क्या करोगी? ये बाकी सब तुमको हैंड ओवर करवा रही हूँ ना मैं। तो गाइस पैसे की कमी ऐसी है जो ही पूरी नहीं कर सकता शायद हर किसी के लिए ना। पूरे बैठे लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आ रही। इंसान मैटर करता है ना कि ये सब चीजें, ये तो अनुराग की कमाई हुई चीजें हैं। बट सारी बाइकों ने भैया को याद करके रोना स्टार्ट कर दिया। ऊपर देखो फ्लाइंग ओनली बेस्ट क्लास, काला जादू करे कलम मेरी क्वालिटी विच क्राफ्ट। इतने गाने लिखे आ चुके हम बहुत सारी शॉपिंग करके घर। अंकल भी आ चुके हैं। अंकल नमस्ते। आपको भी नमस्ते, पूरी ब्रो सेना को नमस्ते, सारे यूट्यूबर्स को नमस्ते, सारे व्यूअर्स को नमस्ते। अब बोलो आज क्या क्या लाए आप खरीद के? मैं लाई हूँ, ये आंटी ने ये सब मंगाया था, और माता रानी के लिए। अष्टमी है तो पहले तो बोलो। चलो ये देखो, ये ऐसे मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ, बहुत सारे। ठीक है, ये अच्छा है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। आंटी कैसा लग रहा आपको आज मेरे को देख के? तेरे को देख के तो हम खुश हो गए, बहुत दिन से बोल दी। मैंने कहा नहीं आंटी काम है, चलो काम भी कर रहे हैं इन्होंने बच्चों ने। अब मैं यहाँ पे बिग बॉस चलाऊंगी। अभी तक जैसे भी आ रहे थे कोई बात नहीं, पर माफ कर देना जैसे भी बन रहे थे ब्लॉग पर। अब से देखना, अब ये लड़की आ गई हमारी, देखना कैसे कैसे तुम्हारा वो बनेगा, मस्त ब्लॉग बनेगा। तुम आंटी तो आंटी भी बिग बॉस आंटी गेम खेलेंगे, बिग बॉस वाला, ठीक है? ऐसे ऐसे करके एक वो डाल देंगे, मैं भी डाल दूंगी। क्या काम करा रहे हो आंटी? देखो ना बाहर, पहले बाहर का नजारा देखिए ना, बाकी का सुबह नजारा देखना। यहाँ पे देखो गाइस घर पे काम चल रहा है। अंकल क्या काम चल रहा है?
देखो सबसे पहले मैंने ये किया पूरा, नीचे करो कैमरा आपका पकड़ रहा है। हाँ जी। और अभी हम जो है यहाँ पर ये इंटरलॉक वाली ईंटें लाए हैं, कुछ वो हैं उधर देखो, उधर देखो शायद ये दिख रहा होगा, रात में हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। हाँ जी। तो कुछ तो ये हैं, कुछ ये हैं और ये हैं और कुछ ये हैं, तो इस पूरे को ये कल और परसों तक जो है आपको नया लुक दिखाई देगा और अब किसी भी गाड़ी को अंदर चढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम लोग सुपरा ऊपर चढ़ाएंगे तो हमें फट्टा बड़ी भी आसानी से चढ़ेगी। हाँ, फट्टा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शायद उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी की पहले हो रही थी। हाँ जी। भैया आएंगे तो उन्हें दिखेगा कि घर का तो पूरा वही चेंज हो गया, ढांचा बदल गया, पूरा बदल गया ना, वो भी बदला हुआ नजर आएगा। और गाल अंदर जाते हैं उसके कि बाहर आते हैं, बाल लंबे और गाल अंदर, तब तक देखते हैं क्या करता है। रेडी हो आप आज वीकेंड का हमारा रहे? हाँ, हम भी देने आते, थोड़ा भाई सबका बाबू भैया अनुराग डोवाल आपको हीरो बन के बैठे होंगे, हम भी तैयार होते हैं। देख क्या पहना जाता है आंटी, आज टी-शर्ट पहनती हुई क्या आज सुंदर सी साड़ी पहन लो आंटी, भैया वहाँ पे बैठे हुए पूरा दूल्हा बन के बैठे होंगे, तुम मेरे से सब काम करा लो आंटी बाहर का, पर खाना पर इस जगह पे मुझे मत लेके जाना क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे को चाय बनानी भी नहीं आती, मैं बाहर का सब कर लूंगी आप जो बोलोगे, गाड़ी चलवा लो बाहर से कुछ मंगवा लो, कल हम लोग वैसे भी जा रहे हैं और आंटी को थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी कराएंगे, आंटी को चाहिए था कि करवा चौथ आने वाले मुझे शॉपिंग करनी है, अभी फिलहाल आंटी आप रेडी हो जाओ मस्त करके, टाइम खाना वो बना रही खाना बिग बॉस वीकेंड का हमारा स्टार्ट हो गया है, अब सबको बुलाते ही है, देखो गाइस बैठ जाओ वीकेंड का हमारा स्टार्ट हो गया, बस आज सब भैया हीरो बन के घूम रहे होंगे, ये आंटी अंकल सब लोग आ रहे हैं, बस फिर देखो क्या मजा आता है, साथ मिलते हैं बाबा आपको। हाँ आंटी ने ना आंटी को बस बोलना होता है आंटी तैयार हो जाओ, आंटी ऐसे ऐसे करके आंटी साड़ी निकाली और रेडी, आंटी कह रही चलो अब देखते हैं विकेट का बार, रवि को ठीक ही लग रहा है, आंटी जल्दी आओ भैया को देखो, आंटी जल्दी आओ यहाँ देखो भैया को, अभी देख रहा भैया को सब आ रखे एक सेट बन के, हाँ देख लो तो एक बार भैया को देखना आपको क्या लगता है वो बैठे हुए भैया देख रहे हो आज मस्त लग रहा है, इधर उधर वो लग रहा है, इधर मम्मी लग रही है, आंटी तो बन गई सुंदर, अभी बस अंकल आ रहे हैं बाहर से, अंकल सुंदर है नहीं है मतलब बन ढुन गई, आप तो बहुत सुंदर हो आंटी, देख रहा हूँ सुंदर लग रहे भैया, देख रहे हो मम्मी वहाँ बैठे लग रही है, और देखो ना कितने शानदार, लेकिन इन तीनों ने ब्लैक ब्लैक क्यों, अच्छा ब्लैक ही है ना इनका कलर कोड ब्लैक है इनका, भैया किसका नाम लेंगे ये बताओ, देखते रहो ना वहाँ देखो ना आगे का तो वही दिखेगा ना, नहीं बट भैया ने अभी तक तो आपने देखा ना, भैया देखो किसका नाम, भैया इस अंकल आ गए, अंकल देखो आज भैया कैसे लग रहे हैं अभी देखना, अंकल की टी शर्ट देख रहे हो इस टाइप का कलर रहा, ये क्रीम कलर मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जो भी होगा मतलब सब मिक्स है इसमें, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है, अंकल हम कितनी अच्छी टी शर्ट, हमने हमें पता था आपको कलर कैसे चाहिए, एक वो है उसको बोला कि मैंने कहा तू भी लाएगी, बोल रही पहले आप दिलाओगे मुझे आपने अभी सारे कपड़े नहीं देखे ना, मैं महान हूँ, मैं UK07 राइडर का फादर हूँ जो वहाँ बिग बॉस में जा रखा है, तो ये मैं कैसे दूंगा भाई, तुम्हारा वो कहाँ है वहाँ हीरो का है, अभी दिखे थे अंकल आप उस समय बाहर थे, तब तक बी से जय माता दी, समय से ऊपर देखो फ्लाइंग ओनली बेस्ट क्लास, काला जादू करे कलम मेरी क्वालिटी विचक्राफ्ट, कितने गाने लिखे ही नहीं आई डू फ्री स्टाइल, कितने गाने डाले